कहाँ हो भाई जी? अच्छा शुक्ला भाई का। तो भाई जी कहाँ पे हम अभी? अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम सोनप्रयाग सोनप्रयाग में हैं। और एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही है, और जो पार्किंग वाले बोल रहे हैं वो कह रहे हैं लगभग एक घंटा लग जाएगा पार्किंग मिलने में, क्योंकि जब वो जो ऊपर गए हैं उनकी में से किसी की गाड़ी अगर जब यहाँ से निकलेगी तो वहाँ पे स्पेस मिलेगा पार्किंग के लिए। तो यही प्रॉब्लम है, अभी हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब गौरीकुंड से अभी सोनप्रयाग पे हम फिर हमें ट्रैवल करना है ऊपर के लिए 24 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना भी ट्रैक है। तो भाई जी पहली बार जा रहे हैं, हमारे पहली बार बाबा के दर्शन करने के लिए। भाई दिल की तमन्ना थी भाई की हमारे 6 महीने से भाई बस भोले जी सपने में आ रहे थे भाई के, और फाइनली पहुंच गए हम वैसे यहाँ पे। चलो थोड़ा वेट कर लेंगे, मैं आपको पार्किंग दिखा देता हूँ कितनी क्या है। दोस्तों अभी हम गौरीकुंड की तरफ गौरीकुंड पे हैं अभी, तो हमें पार्किंग वहाँ पर मिल गया था, कोई जान पहचान वाला हमें मिल गया था वहाँ पे, उसने हमारी पार्किंग भी नहीं ली हमसे और वहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए भी दे दिया हमको, है ना। तो हम कुछ भाई पहली बार जाके कैसे लगा रहा है, कैसे फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है आपको बताओ? लेट्स सी जब भोले दिखेंगे हैं। तो अभी भाई बिल्कुल एनर्जी में, रास्ते में देखता हूँ मैं इनकी हालत क्या होती है, वो आपको बताऊंगा मैं। तो भाई यहाँ से जो एक्चुअल जो केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है, तो ये गौरीकुंड क्रॉस किया हमने अभी, है ना। यहाँ पे खच्चर वगैरह जिसके भी चाहिए होते हैं, यहाँ पे घोड़े वगैरह हैं। तो एक्चुअल जो चढ़ाई होती है अभी ये केदारनाथ के लिए, तो गौरीकुंड से वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हम ओनली 3 या 4 किलोमीटर आए हैं, और मतलब ठीक है मैं चल जाऊँ, मैं तो चले जाता हूँ, पर फिर भी काफ़ी टाइम बट ट्रैक कर रहे हैं। तो हाँ जी कैसे फील हो रहा है? हाँ जी भाई जी लगे हुए हैं पूरी हिम्मत से। तो अभी तो बहुत इजी लग रहा है भाई को, तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, तो देखते हैं कितनी देर में हम ऊपर पहुंचते हैं। तो हम लोग अभी 5 किलोमीटर आए पहुंच पाए हैं अभी, और ये पाँचवा जो मतलब 1 किलोमीटर जो हमने 5 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर जो हमने ट्रैवल किया है 16 मिनट के आसपास किया हमने, और जो हमारा 4th किलोमीटर था वो भी 16 मिनट के आसपास था। तो चल रहे भाई जी हमारे, लगे हैं हम रास्ते, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं हम लोग। भोले का नाम ले लेके चल रहे हैं। जो था मैं यहीं पे गया था फोटो खिंचाने ऊपर। लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली जगह का नाम जहाँ पे अभी हम यहाँ पे हैं हम भाई, ये रामबाड़ा है। तो जब ये अभी केदारनाथ आपदा आई थी तो उस टाइम भी यहाँ पे पूरा मार्केट हुआ करता था, तो पहले यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी पूरी ऊपर तक। तो जब ये केदारनाथ आपदा आई है तब से रास्ता इधर शिफ्ट हो चुका है, तो ये घोड़ों का रास्ता है और ये हमारे लिए थोड़ा शॉर्टकट सा है। तो अभी हम रामबाड़ा ये ब्रिज उतर रहे हैं अभी हम, है ना। तो आपको दिखाता हूँ मैं भी, अंकु भाई ब्रो अभी हम यहाँ पे हैं ब्रिज में, काफी हिल रहा है ये। ओ हो हर हर बोले, लेट्स गो, हर हर महादेव। चल चल चलो ब्रो, ये बहुत हिल रहा है ब्रिज हमारा, अभी हमें वहां जाना है ऊपर। ऊपर देखो, तो हम अभी शॉर्टकट ले रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं हम, तो शॉर्टकट पे चल रहे हैं हम अभी। मेरा भाई पीछे आ रहा है हमारा, है ना, शॉर्टकट ही आ रहा पीछे, यहाँ जा रहा हूँ ऊपर। अभी शॉर्टकट
देखते हैं कितना पहुंच पाता। रामबाड़ा क्रॉस कर दिया मैं अभी, है ना, तो देखते हैं अभी कब तक पहुंच जाना हमें। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमें अप्रोक्स 9-10 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल रहे हैं अभी, नॉन स्टॉप, कहीं पे भी एक जगह पे भी हम बैठे नहीं अभी, है ना। तो एक मेरा दोस्त जो है वो नीचे है वहाँ पे, है ना, और हम यहाँ पे हैं अभी अचानक ढाबा, अभी मैं आपको ढाबा दिखाता हूँ, अचानक ढाबा है ना। तो ये हम पहुँच चुके हैं बिग लिंचोली नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक। ये देख लो आप ऊपर व्यू, भाई जी बिग लिंचोली में पहुंच गए हम, तो कैसा फील हो रहा है भाई जी, हमारे आधे घंटे बाद पहुंचा हमसे, तो कैसा फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा है, ठीक है। नॉन स्टॉप 11-12-13 किलोमीटर नॉन स्टॉप आए हम, एक फर्स्ट स्टॉप हमने यहाँ पे लिया अभी, तो भाई जी बहुत चलिए ठीक है, पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। ये हम सुनसान रास्तों पर जा रहे हैं, देख लो ये है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपदा से पहले जो रास्ता हुआ करता था केदारनाथ जाने का, वो उस साइड होता था, आप सामने देख रहे हो वो, तो केदारनाथ के जाने का रास्ता ये था ऊपर, है ना, ठीक है, आप दिख रहा हो जैसा आपका। पर जो ये फ्लड आया है यहाँ पे, तो फ्लड के कारण पूरा जो रास्ता है ये ख़त्म हो गया था, तो जिसकी वजह से जो रास्ता है वो इधर शिफ्ट कर दिया इस साइड को, तो अब लोग इधर से जाते हैं, तो वहाँ पे जो रास्ता उधर का वो पूरा बंद हो गया है आपदा की वजह से। जय शिव शंभू, ये हमारा शॉर्टकट है, कोई नहीं है यहाँ पे इस रास्ते पे, अभी सब यहाँ ऊपर हैं, हम नीचे हैं, और हमें चढ़नी है चढ़ाई ये वाली, तो देखो अभी अभी चल रहे हैं हम। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बेस कैंप पे, यहाँ सब सीधा सीधा रास्ता है 2 किलोमीटर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो घोड़े वगैरह होते हैं इसमें स्टेशन यहीं पे है, और जो कैंप वगैरह लगते हैं ना, जैसे छोटे छोटे कैंप होते हैं वो भी यहीं पे लगते हैं सामने पे, बता देता हूँ आपको। तो फाइनली सिर्फ 2 किलोमीटर हुए हैं हम केदारनाथ से, मेरा दोस्त पीछे छूट चुका है थक चुका है, सो आप देख सकते हो व्यू, ठंड लगने लग गई है अब। Only 500 किलो, 500 meters रह गया है अब। टेम्परेचर बताओ आप कितना है, टेम्परेचर देखते हैं अभी हम, और आप बिलीव नहीं करोगे हम मात्र 2 जगह पे रुके हम ओनली, सो इट्स बेसिकली -1 degree Celsius राइट नाउ। एक मिनट मैं दिखाता हूँ टेम्परेचर आपको, जरा टेम्परेचर -1 degree Celsius हो चुका है अभी, टाइम हो रहा है अभी टाइम, एंड इट इज गोइंग टू रिड्यूस फर्दर नाउ, और टाइम राइट नाउ इज 5:30 अभी 5:30 हो रहा है 5:30, और टेम्परेचर -1 हो चुका है अभी। और मंदिर आप यहाँ से सिर्फ आई थिंक 500 meter बचा हुआ है, और यहाँ से इस एज के बाद आप मंदिर देखने मंदिर देखना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी एक हमारा साथी जो था वीडियो में वो पीछे है अभी उसको वेट कर रहे हम अभी, और आपको आना चाहिए यहाँ पे जरूर, जो 20-22 किलोमीटर की जो ट्रैक है तो ये वर्थ है, आपको आना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद हम, हाँ मैं आपको बताता हूँ, हम सिर्फ 2 जगह रुके हैं, तो
एक हम रुके हैं बड़ी लिंचोली, बिग लिंचोली। सेकंड हम रुके हैं नीचे बेस कैंप पे, क्योंकि हमारा दोस्त अभी आया नहीं है, उसका वेट कर रहे हैं, है ना। और नॉन स्टॉप चल रहा हम, और लगभग हम 12:30-1 बजे के लगभग हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और अभी 5:30 हो रहा है और हम मंदिर तक पहुँच चुके हैं। तो विद इन 5.5 आवर के आसपास, मतलब 5 घंटे और 5.5 घंटे के आसपास हम लगभग पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो ये फर्स्ट टाइम है जब हम नॉन स्टॉप चले हैं। तो अभी देखता है, अभी आपको मंदिर का व्यू दिखा, ये है मंदिर सामने, है ना। ये रहा सामने मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल सामने, तो आप सभी देख सकते हैं मंदिर केदारनाथ पीक, जैसे आप देख पा रहे हो केदारनाथ पीक है, और इसके बिल्कुल बेस पे ऑलमोस्ट 10,000 feet अबव सी लेवल है। 10,000 feet अबव सी लेवल, और ये मंदिर से ठीक पीछे जो रास्ता देख रहे हैं जी, वो रास्ते पे चलते चलते आप चलेंगे तो आप वापसी ताल पहुंच जाएंगे। केदारनाथ आपदा आई थी तो उस समय बेसिकली वहीं से झील टूट के यहीं से लेके पीछे। देखते हैं अगर कल जाने का मौका मिला, अगर हमें अलाउड किया वहां जाने के लिए, तो हम कल आपको वासुकी ताल भी जरूर दिखाएंगे। काफी ठंडा है यहाँ पे, काफी ठंडा हो गया टेम्परेचर। और ये सिर्फ शाम के 5 बज रहे हैं, अभी सिर्फ 5 बज रहे हैं, 5:30 है, तो डाउन होने वाला है रात तक, लगभग लगभग -11 के आसपास, -10 के आसपास टेम्परेचर जा सकता है। फाइनली थोड़ा मंदिर, हम मंदिर पहुंच गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले, बम बम हरे महादेव, जय जय शंकर, हरे महादेव, अभी जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए, जो केदारनाथ से थोड़ा ऊपर है। ये वासुकी ताल के लिए रास्ता है, एक्चुअली हम जा रहे थे बट वहाँ पे लोगों ने कहा कि वहाँ पे साइड से बर्फ़ ज़्यादा है, ठंड का मौसम है, ऊंस ज़्यादा होगी तो आप फिसल सकते हो, और ये हाइट लग तो आसान रही है बट जब ऊपर जाओगे तो बहुत टफ है। तो इस पहाड़ी के पीछे है वासुकी ताल, है ना। तो बाबा की कृपा रही तो हम दोबारा जरूर आएंगे, और सही टाइम पे वासुकी ताल जरूर जाएंगे, है ना। फिलहाल हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ।
वापसी की और हम है ना, तो यहाँ से गौरीकुंड लगभग